नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एपेक्स नॉलेज वर्ल्ड में। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आज हम एक ऐसे घातक बीमारी से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं जिससे देश में करीब 20 लाख महिलाएं ग्रसित है। हर साल करीब 2 लाख नए मरीज इस रोग की चपेट में आ रहे हैं। इसे ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी की गंभीरता को इस बात से जाना जा सकता है कि अपने देश में औसतन मृत्यु दर करीब 37% है, यानी स्तन कैंसर से ग्रसित 10 में से 4 महिलाओं की मौत हो जाती है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल स्तन कैंसर से 75,000 महिलाएं मौत के मुंह में चली जाती हैं। अभी देश में करीब 20 लाख महिलाएं स्तन कैंसर जैसी घातक बीमारी की चपेट में है। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम की रिपोर्ट पर यकीन करें तो 2025 तक स्तन कैंसर की संख्या बढ़कर 2.3 लाख प्रति वर्ष होने का अनुमान है। ऐसा नहीं कि ये बीमारी सिर्फ भारत में ही बड़ी समस्या है, बल्कि एक अध्ययन में दुनिया में करीब 2 मिलियन महिलाओं में स्तन कैंसर पाया गया है। देखा गया है कि 20 साल से 40 साल के बीच की महिलाओं में यह सबसे ज्यादा खतरा बनता जा रहा है। सबसे पहले बताते हैं लक्षण क्या है इसके। शोध और जानकारों की माने तो स्तन में गांठ का बन जाना, निपल के आसपास सूजन का हो जाना, स्तन के आकार में बदलाव आना या फिर स्तन का लाल हो जाना, निपल से खून या फिर सफेद पानी जैसा स्राव होना स्तन कैंसर की ओर इशारा करता है। एक और बात आपको बता दें, ऐसा कतई नहीं है कि स्तन कैंसर केवल महिलाओं को हो सकता है, बल्कि आप हैरत में पड़ जाएंगे, पुरुषों में भी ये बीमारी देखी गई है। पुरुषों में भी अगर सीने पर स्तन वाली जगह पर इस तरह के लक्षण दिखने लगे तो ये मान लेना चाहिए कि कहीं ये स्तन कैंसर तो नहीं। देखा गया है कि इस बीमारी की बड़ी वजह है महिलाओं का बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना, अधिक मात्रा में शराब या मादक पदार्थों का सेवन करना, लिवर का खराब होना या फिर कुछ खास परिस्थितियों में दवाओं का साइड इफेक्ट होना। पुरुषों में इस बीमारी के लक्षण काफी देर से नजर आते हैं, जिसकी वजह से पुरुषों में स्तन कैंसर को और भी घातक माना गया है। दरअसल शोध में यह पता चला है कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी और फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक होने से स्तन कैंसर की समस्या सामने आती है। मेडिकल की भाषा में बात करें तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर जीन 1 और ब्रेस्ट कैंसर जीन 2 में तब्दीली के जरिए कैंसर का पता लग पाता है, जबकि स्तन कैंसर से पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर जीन 2 में बदलाव आ जाते हैं। कैंसर का पता लगाने के लिए महिला और पुरुष दोनों ही केस में चिकित्सक जेनेटिक टेस्टिंग का सहारा लेते हैं। इसके अलावा मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों का सहारा भी लिया जाता है। बायोप्सी के जरिए संक्रमित जगह से टिश्यू निकालकर कैंसर की पुष्टि की जाती है। कैंसर की पुष्टि होने के बाद इस बात का पता लगाया जाता है कि कैंसर डक्टल है या लेबुलर। रही बात कैंसर के निदान की तो इसके लिए अब काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इलाज में उपलब्ध है। सर्जरी से लेकर केमोथेरेपी की नई नई तकनीकों से अब इस बीमारी की रिकवरी रेट बढ़ती जा रही है। स्तन कैंसर की सर्जरी अगर पहले ही स्टेज में हो जाए तो आसानी से रिकवरी संभव है, जबकि तीसरे चरण के कैंसर में सर्वाइवल काफी मुश्किल हो जाता है। पुरुषों के मामले में अक्सर लोग गायनेकोमास्टिया को भी कैंसर मान बैठते हैं। इसमें निपल के पीछे टिश्यू की मात्रा बढ़ जाती है। गायनेकोमास्टिया में परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही वक्त पर इलाज शुरू करने से बीमारी से निजात मिल सकती है। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही फायदेमंद जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहे और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।